नमस्ते नमस्ते साहब जी, साहब आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सारू सारू, चलिए अंदर चलिए। इस कमरे में इतनी हवा आती है कि आपको एयर कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। फिर सामने वाला मकान कौन है? नहीं नहीं नहीं, उधर कोई नहीं रहता, उधर कोई नहीं रहता। पर सेठ जी, 20,000 रुपया पगड़ी बता रहे थे। हाँ ज्यादा है, आपको शांति भी चाहिए और पगड़ी भी ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए तो मेरे पास 25,000 का ऑफर है। नहीं नहीं, 20,000 रुपया ले लो, अभी लो घर वालों। हाँ ये भी सोचा कि ये सब आप लोगों का काम है जो मैं कर रहा हूँ। इतने सारे बच्चों का पेट पालता हूँ, इनको पढ़ाता हूँ, इनको लिखाता हूँ। आप तो जानते हैं मैं थोड़े से रुपए कमाता हूँ सेठ जी, और आज घर में इतनी कड़की थी कि खाने पीने का प्रबंध वो ही नहीं रखा, इसलिए मैं सब बच्चों को गाने बजाने में लगा रखा था ताकि इनका ध्यान बटा रहे और ये रोटी ना मांगे। इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, मैंने तुम्हें आश्रम चलाने के लिए कहा था। आप जैसे की ही औलाद है सेठ, इसलिए मेरा ही नुकसान करेंगे। तुमसे अगर संभाले नहीं जाते तो कर दो कमेटी वालों के हवाले। ऐसा ना कीजिए प्रभु, आप हमारे पड़ोसी है और आपका भी कुछ कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट ने अपने देश में कहा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, उसके दुख में हाथ बचाओ। और दुख तो सेठ जी आजकल के जमाने में सिर्फ रुपयों से ही दूर होता है। समझ गया समझ गया, तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। क्या करूँ, फंस जो गया हूँ, मकान जो किराए पर देना है, ये लो 200 रुपए। और ध्यान रहे, आइंदा अगर किसी किराए की शुक्रिया कर यही 200 रुपया पहले दे दिए होते ताकि किराया था। यहाँ इतनी शांति दिखाई देती है ये शमशान घाट। कल स्कूल की फीस भरना। अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए, अंकल मेरी स्कूटर, अंकल मेरी किताबें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। हाँ तो मैं जो कुछ मैं दिला दूंगा। ओके मैं चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े
छोड़या गाड़ी छोड़ पिछाड़ी छबीले मुन्नु हटीले मखमल की टोपी छोटू रंगीले लल्लू बटाटा लल्ली टमाटा काम बनेंगे गट्टू गठीले पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी गाड़ी में निकली अपनी सवारी थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं भोले भाले हैं सीधे सच्चे उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं भोले भाले हैं सीधे सच्चे ठानेंगे जो भी करके रहेंगे ये अपनी धुन के हैं पूरे पक्के कोई न समझे इनको अनाड़ी चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी गाड़ी में निकली अपनी सवारी थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी लंबा सफर है टेढ़ी डगर है मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है लंबा सफर है टेढ़ी डगर है मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है पर न रुकेंगे चलते चलेंगे ये सारी दुनिया अब अपना घर है हार न मानेंगे ये खिलाड़ी चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी गाड़ी में निकली अपनी सवारी थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी ये देखिए इस बार बच्चों की क्या हस्ती खेलती तस्वीरें लाऊं मैं राजदान साहब बस जल्दी से नोटों की छलकी दिखाई जल्दी से नहीं ब्रह्मचारी नहीं अब मैं अपने मैगजीन में तुम्हारे बच्चों के फोटो नहीं छापूंगा तुमने क्या मेरे पेपर को अपने यतीम खाने की एल्बम समझ लिया है इससे पहले ही मैंने इतने फोटो छाप दिए हैं कि लोग मेरे मैगजीन को बच्चों का पर्चा समझने लगे लेकिन राजदान साहब बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं जी लेकिन भगवान मेरा पेपर नहीं खरीदते लोग खरीदते हैं जो भगवान को किसी और रूप में भी देखना चाहते हैं मर्द के रूप में औरत के रूप में यानी कि आपको लड़कियों की तस्वीरें चाहिए 37 22 37 यानी कि 37 22 37 नहीं ब्रह्मचारी ये तुम्हारे बस का रोग नहीं हेलो हाँ प्रूफ नंबर 16 मैंने देख लिया प्रिंटिंग में भेज दीजिए राजन साहब लेकिन आप तो जानते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत और ये भी मानता हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत महान है लेकिन दिन रात काम करने पर भी तो तुम्हारा पूरा नहीं पड़ता तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजते जैसे मैं अपने अखबार में इश्तिहार दिए देता हूँ कि जिन मालदार मगर बे औलाद वालों की इच्छा हो वो तुम्हारे यतीम खाने से बच्चे गोद ले सकते हैं इस तरह तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा और लेकिन मैं उन्हें बोझ नहीं समझता हूँ राजदान साहब मैं उनसे प्यार करता हूँ उनसे कई एक को तो मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं ये पागलपन है मुझे क्या मालूम नहीं कि तुम्हारा मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है कितने के कर्जदार 15,000
सूद मिलाकर 20,000 हो चुका है और मेरे बॉस ने धमकी दी है अगर मैं कर्जा वक्त पर नहीं चुका सका तो घर को नीलाम करवा देंगे। समझ में नहीं आता तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा। ऑल राइट, मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन तस्वीरों के नहीं। कोई ऐसी तस्वीर खींच के लाओ जो जिंदगी की जीती जागती तस्वीर। मतलब ये कि किसी बड़े नेता का ऐसा पोज जो किसी प्रेस फोटोग्राफर को ना मिल सका हो, समथिंग यू नो एक्सक्लूसिव, किसी हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। बस समझ गया, और यकीन जानिए ऐसी तस्वीर लेकर आऊंगा कि कलेजा मुंह को आ जाए। उस इश्तिहार के बारे में क्या कहते हो? बाद में बताऊंगा साहब, फिलहाल मैं आपसे 500 रुपए कमाने के फिराक में जा रहा हूं। जय हिंद। जय। मुझे रोकिए नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए। अजी मरने से कौन रोकता है, आप मरना चाहती है शौक से मरिए, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि औरों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए और इस महंगाई के जमाने में खुदकुशी करके हमारे देश का बोझ हल्का करना चाहिए। इस तरह अनाज की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। जी हाँ, फोटो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप तो मर ही रही है, 2 मिनट आगे या पीछे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला है। आपकी फोटो से मुझे 500 रुपए मिलेंगे। वैसे फोटो और लोग भी खींचेंगे लेकिन वो आपकी लाश की होगी। खुदकुशी करते वक्त का फोटो सिर्फ मेरा लिया होगा। अब जरा पोज कीजिए, बालों को यूं ही फिकर रहने दीजिए, जरा शादी को हवा में यूं ही लहराने दीजिए और अपने 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 लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लाइए। स्माइल खोलो। सॉरी, ये तो बड़ा ट्रेजिक मोमेंट आपकी जिंदगी का, बड़ा गंभीर। आपको आपको बिल्कुल मायूस रहना चाहिए, आप यूं ही रोते रहिए। 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच। अब खुद पढ़िए, कहीं धक्का दे दूं मैं? थैंक यू सो मच। बॉय बॉय, 500 रुपए। अरे मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है आप भी नहीं? छी, बस इसी चीज ने हम हिंदुस्तानियों को तबाह कर दिया। कोई करेक्टर नहीं है, ये देश तरक्की कहाँ से करेगा साहब? चलिए चलिए चलिए, हिम्मत बांधिए और छलांग मार डालिए। आप राम भली करेंगे, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए चलिए। फिर रोना शुरू कर दिया, भूख लगी है क्या? आइए मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि पेट भरता ही डूब मरेंगे आप। मुझे आपकी फोटो बेचकर 500 रुपए कमाने हैं, मेरे 12 बच्चे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे वो। आइए। कोई बात नहीं बेटा, हम चूहे को मार डालेंगे फिर आपके नए दांत आ जाएंगे। अंकल आज मैं सो रही थी ना, किसी ने मेरे बाल काट दिए, मेरे सर से इसी की शरारत है। अरे नीत के बच्चे, मैं तुझे पंखे के साथ उल्टा टांग लूंगा। जी हां। आहा छोटी, फौरन इनके लिए खाना लाओ क्योंकि इन्हें अभी जाकर आत्महत्या करनी है और मुझे इनकी फोटो छपवा कर 500 रुपए लेने हैं। पता है बड़े भैया, तनिक सुनिए। बड़े भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन में ही ना विष मिला दूं। मेरे पास चूहों को समाप्त करने का पाउडर रखा हुआ है, मैं घोल देता हूँ कड़ी के अंदर विष। मैं तो इनकी सहायता की बात कर रहा था। आओ दीदी, यहाँ बैठो जब तक खाना आता है। अच्छा दीदी, ये बताओ तुम मरने क्यों जा रही हो? मरने देना, तब तो उनको 500 रुपए मिलेगा। तब मेरी बेल हर की चुप, बेल का बच्चा मर नहीं सकता। दीदी, अंकल कहते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। दीदी बहुत अच्छे हो क्या? अल्लिया मर रही हो क्या? हाँ बताओ ना दीदी, तुम क्यों मर रही हो? चांदनी ने बात तो बिल्कुल पता की पूछी है, तुम मरना क्यों चाहती हो बताओ? बताओ, अगर तुम्हारी कहानी दिलचस्प हुई तो तुम्हारी फोटो के साथ मैं उसे भी छुपा दूंगा, शायद राजदान साहब कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दें। हाँ पैसे पैसे पैसे, आपको पैसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अंकल जी, तुम आज मुझे तो क्यों रुलाते हैं? दीदी मत रो, नहीं तो मुझे भी रोना आएगा। दीदी मत रो, दीदी मत रो। शादी,
मुझे भी कहानी सुनने दो, मैं वादा करता हूँ। क्या नाम है आपका? शीतल, शीतल, शीतल चौधरी। मैं वादा करता हूँ मिस, मिस चौधरी, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। जरा बताइए ना, आपके साथ कौन सा घोर अनर्थ हुआ है? दस साल की उम्र में ही मेरी मगनी हो गई थी। लड़का हमारे गांव का था, फिर वो लोग इस शहर में आ बसे और उधर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। वो जान से जाते रहे, माताजी मुझे साथ लेकर मामा के यहाँ रहने चली गई। लेकिन उस लड़के की याद मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकी और उसके बीवी बनने का सपने देखती रही। तो फिर उससे शादी करने से तुम्हें कौन रोकता है? पिछले महीने मेरी माँ उन लोगों से मिलने के लिए बम्बई आई थी, पर लड़के के माँ ने इनकार कर दिया। उनको अब एक गरीब घर की लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि वो और भी मालदार हो गए हैं। जब ये बात मेरे मामा ने सुनी तो झट से उन्होंने एक और जगह मेरी बात पक्के कर दी। उधर बारात आने वाली थी, इधर मैं घर से भाग निकली। सोचा मैं लड़के से खुद मिलूंगी, शायद उसके दिल में भी मेरे लिए इतना ही प्यार हो। फिर यहाँ पहुँची तो मुझे पहचाने तक से इनकार कर दिया। कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आई? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं शीतल हूँ। शीतल? कौन शीतल? मैं किसी शीतल को नहीं जानता और ना ही जानने की जरूरत समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शीतल चौधरी हूँ, आपकी मंगेतर। बचपन में हमारी मंगनी हुई थी, लेकिन आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? शादी? और तुमसे? सपना तो नहीं देख रही हो? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? लेकिन आपके पिताजी और मेरे बाबू ने दोनों मर चुके, और उनके साथ उनका तय किया हुआ रिश्ता भी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश न करना। तुम जैसी मामूली लड़की से मुझ जैसे शहजादे की शादी सिर्फ कहानियों में होती, जिंदगी में नहीं। मैं हर लिहाज से एक अच्छी बीवी साबित होंगी। मेरे घर की नौकरानी भी एक अच्छी लड़की है, तो क्या मैं उसके साथ शादी कर लूंगा? आप मुझे अपनी नौकरानी से मिला रहे? तुम तो उसके बराबर भी नहीं। शक्ल देखिए अपनी, वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत। मेरे साथ ऐसा बुरा सुलूक ना कीजिए, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इसलिए तुम भगवान के पास चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे जैसी बेकार लड़की के लिए कोई वक्त नहीं। ठीक है, इतने अपमान के बाद मर ही जाना अच्छा। अब मैं घर लौट नहीं सकती, लौटू तो क्या मुंह लेके लौटू, इसलिए बस आत्महत्या करने की ठाने। भाई ये भी कोई वजह है मरने की? अगर वो लड़का शादी नहीं करता तो देश में कौन सा लड़कों का काल पड़ गया? कोई ना कोई मिल जाएगा। आप समझते क्यों नहीं, मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी और उसके बिना जिंदा भी नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा ये रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारी शादी उसी राजकुमार से करवा देंगे। तुम मुझे उसका नाम पता कुछ ठिकाना बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा जीना ठीक है या मरना। ओके। ये मेरा अलार्म क्लॉक है, यानी कि काम पे जाने का टाइम हो गया। मीत, मेरे जूते। चलिए देवी जी, भोजन प्रस्तुत है। तैयार हो गया? हाँ। जा तुम मुंह धोकर खाना खा लो। और छोटी, ये हमारी मेहमान है, इनका ख्याल रखो। अच्छा। और देखो कि बच्चा लोग इनको बिल्कुल तंग ना करें। जो आज्ञा महोपाय जी, चलिए। मिस्टर रवि खन्ना, अरे खन्ना नाम। अंकल ये आपके जूते किसने बांध दिए? थैंक यू। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर साल की तरह इस दफा भी मैंने अपनी सालगिरह एक नए और अनोखे ढंग से मनाने का प्रोग्राम किया है। ये आइटम सिर्फ लेडीज के लिए, 1 से 13 नंबर में फेंकूंगा, और आप में से जिस लेडी को 13 नंबर मिलेगा वो इस पार्टी की चीफ गेस्ट होगी। हियर यू आर। बताइए 13 का लकी नंबर किसके हाथ लगा? जी मेरे, ये देखिए। कौन हो तुम? मैं प्लाजा रेस्टोरेंट का चीफ वेटर। बेवकूफ, तुम्हें ये उठाने के लिए किसने कहा? ये सिर्फ औरतों के लिए। फेंको इसे लेडीज की तरफ और तुम जाकर अपना काम करो। आई एम सॉरी सर।
हेलो रूपा, मैं उठा लूं इसे। इट्स योर्स, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन बहुत देर कर दी आने में, आंखें तरस गई थी। जन्मदिन तुम्हारा है, मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, उल्टा तुमने मुझे ये साड़ी भेज दी। ये तो कुछ भी नहीं, अगर मेरा बस चले तो अपना दिल काट के भेज देता तुम्हें। आजकल रवि रूपा के पीछे बहुत मर रहा है। रवि से तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो रूपा में ऐसी क्या खासियत है? पता नहीं अपने आप को क्या समझती, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। पर वो है कौन? है कोई एयर होस्टेस। ए वेटर, तुम क्या लिख रहे हो? मैं आप लोगों को ऑर्डर लिख रहा हूँ। आप क्या चाहेंगे, गर्म या ठंडा? मैं इस लड़की का खून पीना चाहती। गर्मा गर्म या बर्फ डाल के लाऊं? तब आ जाए यहाँ से। आई एम सॉरी अगेन। आज ही जोशी ने मुझे बताया कि इसी साल मेरी शादी होने वाली है और लड़की का नाम आर से शुरू होगा। भला रूपा, जोशी को ये कैसे पता चला कि मुझे तुमसे मोहब्बत? तुम स्पेशल बेला के बारे में कुछ कह रहे हो? ओह, रवि को उसकी चाल बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी मैम साहब, आपका टेलीफोन। मेरा टेलीफोन? जी, एक मिस्टर दारा सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आपके आई। आज ही एक जोशी ने मुझे बताया है कि इसी साल के अंदर मेरी शादी होने वाली है और उस लड़की का नाम एम से शुरू होगा। मतलब जोशी को कैसे मालूम हुआ मधु कि मुझे तुमसे मोहब्बत? लेकिन तुम तो आजकल रूपा के चक्कर में हो और सुना है तुम्हारे उसके साथ शादी होने वाली है। What nonsense! प्यार तो मुझे सिर्फ तुमसे है, तुमसे। सपनों में भी तुम्हारे इन खूबसूरत काले बालों से खेलता रहता हूँ। जो एक बार इनके अंधेरे में भटक जाए उसे जिंदगी भर रास्ता नहीं मिल सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं मतलब है कि जंगली। मैं हैव अ लाइट प्लीज। ओह यस सर। एक्सक्यूज मी। श्योर सर। बदतमीज। थैंक यू। अरे मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार कर रही हो, तभी तो आज पार्टी में सब लोग मुझसे जल रहे हैं। क्या सब लोगों को हमारे प्यार का मालूम हो गया? प्यार एक खुशबू है जो हर तरफ फैल जाते हैं, और इसमें हर्षी क्या है, हमारी शादी भी तो होने वाली है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जा जा जा। आई एम सॉरी। यू रास्कल, माफ करना बेला, इस बदतमीज ने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए। एक्सक्यूज मी, यू गेट आउट। शुक्रिया, इसी बहाने तुम्हें मुझसे बात करने का मौका तो मिला। ऐसा ना कहो बेला, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हो रहा। आज ये जोशी ने मुझे बताया है इसी साल के अंदर मेरी शादी होने वाली है और उस लड़की का नाम पी से शुरू हो। भला इस जोशी को कैसे मालूम हुआ बेला कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? क्या हुआ? टूट गई। कैसे टूट गई? प्लाजा रेस्टोरेंट में। कहाँ गए? नीलगिरी से। क्या नाम है? अतारी। नहीं क्या? सॉरी रूपा, उस गधे ने पार्टी में बदमस्ती पैदा कर। कौन था वो? मुझे तो कोई पागल नजर आता। अब अगर तुम्हें गाना सुना दो फिर से समा बन जाए। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने गा सकती हूँ, लोगों के सामने मुझसे नहीं गाया जाएगा, लोग चर्चा करेंगे। फिर क्या हुआ, हमारे तुम्हारे प्यारी का तो चर्चा करेंगे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रवि खन्ना आप ही हैं? जी हाँ, फरमाइए। मुझे प्लाजा रेस्टोरेंट के मालिक ने भेजा है आपको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। थैंक यू। और साथ में ये भी पूछा कि हमारी तरफ से जो पार्टी का बंदोबस्त हुआ खाने पीने का, उसमें आपको कोई शिकायत तो नहीं? जी नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास जा रहा है। सिर्फ एक बैरन ने बदतमीजी की थी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप प्लाजा के मैनेजर? जी नहीं, मैं वहाँ का सिंगर हूँ। वंडरफुल, फिर तो आपको हमारी पार्टी में गाना सुनाना होगा। लेकिन अभी तो आप इनसे फरमाइश कर रहे थे गाने के लिए। फिर क्या हुआ, आप दोनों मिलकर गाएंगे तो और भी मजा आएगा। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बात दरअसल ये कि मैं मोहब्बत के गीत गाता हूँ, और अगर आपको एतराज नहीं तो मैं इनके साथ अपनी तरफ से एक मोहब्बत का आइटम पेश करना चाहता हूँ। जरूर जरूर, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जी मुझे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मिस्टर ब्रह्मचारी और मिस रूपा शर्मा आप लोगों को गाना सुनाएंगे। Thank you.
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा सबको मालूम है। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा सबको मालूम है। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। के रवि बाबू से मिलकर आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा था। ओफो, क्या हैंडसम आदमी है, क्या ठाट से रहता है। दौलत तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन रवि को दौलत से खेलना आता है। क्या ढाक जमा रखी है, पूरी सोसाइटी पर छाया हुआ है साहब। मैं जितना सोचती हूँ मेरा दिल बैठा जाता है। काम तो वाकई मुश्किल का है, बड़ी मेहनत करनी होगी, काफी रुपया पैसा खर्च करना होगा। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 7 ही रुपए हैं। तुम अपने रुपए अपने पास रखो, मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करता हूँ। सौदा माना के
रवि बाबू के साथ तुम्हारी शादी करानी एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन अगर मैं ये काम कर दिखाऊं तो 20,000 रुपया मुझे देना तुम्हारा काम है। अपना मकान गिरवी पड़ा। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? तुम्हारी शादी हो जाएगी, उनकी उनकी तमाम दौलत तुम्हारी होगी, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा, मंजूर है? हाँ। बात पक्की? फर्स्ट क्लास। तो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। हैं? तुम्हें तुम्हें पहला की तरह चलना होगा, तुम्हें मधु की तरह बाल बनाने होंगे, तुम्हें रूपा की तरह लेटेस्ट डांस करना होगा। क्या बात है कि रवि बाबू को किसी लड़की की कोई अदा पसंद है और किसी लड़की कोई, और मुझे तुम्हें ये सब कुछ सिखाना है ताकि जो जो बातें उन्हें अलग अलग लड़की में पसंद है वो उन्हें सब तुम्हें नजर आनी चाहिए। लेकिन ये सब मुझसे कैसे होगा? होगा कैसे नहीं साहब, मैं किस मर्ज की दवा हूँ, तुम्हें ऐसा बदल दूंगा, तुम्हें ऐसा बदल दूंगा कि तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगी। बच्चा लोग, बच्चा लोग, कल से तुम अपनी दीदी को एक शहजादी की तरह रखना, क्योंकि ये वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देंगी। सर दीदी, तुम अंडे भी देती हो? अबे बच्चा लोग, चलो 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 अंकल, पहले आप हमें गाना सुनाइए, फिर हम जाके सो जाएंगे। चलो भाई, मैं बहुत थका हुआ, मैं वहाँ भी कुछ। ठहरिए भाई, भैया ही ठहरिए, लीजिए दूध पीजिए और अपनी पूर्ण शक्ति को एकत्रित करके बालकों का मनोरंजन कीजिए। जब तक कि आप गीत नहीं सुनाएंगे ये बच्चे नहीं सोएंगे। क्यों बच्चे? अच्छा सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। है लंबी, माना दिन था भारी, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन, तकदीर हमारी। उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा समय हर कारा। मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ ना। Thank you.
जीता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं फिर एक दिन तुम दोहराओ फिर एक दिन तुम दोहराओ सुख सपनों में खो जाओ मैं गाऊं तुम सो जाओ मैं गाऊं तुम सो जाओ तेरा बाप है ना ब्रह्मचारी अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैंने फिर से हेरा फेरी शुरू कर दिया तो मार मार के सुअर बना देगा देखा नहीं चोटी को घर ले गया था कैसा सीधा कर दिया वरना वो लफंतू भी इस वक्त जेल काट रहा होता सड़ रहा होता जेल में अरे जा रहे बुजदिल जेल से डरता है क्या अरे जेल से नहीं डरता हूँ यार बस दरअसल बात यह है कि यार मैं भी ये चाहता हूँ कि चोटी की तरह मैं एक शरीफ आदमी बन जाऊं देखना ब्रह्मचारी ने मुझे प्लाजा के अंदर फर्स्ट क्लास वेटर की नौकरी दिलवा दी है यार मैं तो तुझसे भी कहूंगा छोड़ यार ये लफड़ेबाजी इसमें कुछ नहीं रखा है एक भला आदमी बन जा देख यार ये भला बनने की बाद में सोचूंगा आज तू मेरा हाथ बटा दे पत्ता हां पत्ता फेंक रहा है यारों के सामने अच्छा तो सिर्फ आज तेरा हाथ बटाता हूं इसके बाद कभी नहीं कसम से शपथ शपथ फटाफट टैक्सी लेके आ ओके अरे लड़की का जन्मदिन है एक अच्छी साड़ी दिखाई जी बहुत अच्छा देखिए ये कैसी रहेगी हाँ ये अच्छी दिखेंगी क्या दाम है इसका ये सिर्फ 60 रुपए 60 रुपए बांध दीजिए जरा जल्दी कीजिए मुझे जाना है एक मिनट गाड़ी में ग्राहक बैठा है अरे मुरली ओ मुरली रोक 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 यार कहाँ जा रहा है तू अरे बसंत तू यहाँ क्या कर रहा है यार आधे घंटे से टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ कोई टैक्सी नहीं मिल रही अच्छा कहाँ जाना है यार एयरपोर्ट जाना है चल चल जल्दी चल मेरे साथ चल ओ ड्राइवर साहब जरा डिक्की खोलिएगा ए ड्राइवर जल्दी करो उनको जाना है इस पैकेट में क्या है इसमें साड़ी है सोना नहीं है हवलदार साहब डिक्की में कुछ डिक्की में सूटकेस है खोल के दिखा क्यों खोटी करते हो हवलदार साहब इनको टोक्यो जाना है देर हो जाएगी बोला ना खोल के दिखा अच्छा बाबा पुलिस वाले हमेशा तंग करते हैं हवलदार साहब जरा आदमी पहचाना करो सूटकेस खोलो अब इसमें क्या दारू निकलेगी बोलो तो सही अच्छा हाँ ये दारू नहीं तो क्या गंगा जल है किसका सूटकेस है ये पैसेंजर का चलो नीचे आओ चोरी से आओ भाई क्या बात है क्या हुआ ये सूटकेस आपका है नहीं ये मेरा सूटकेस नहीं है अरे हमारा कैसे हो सकता है क्या है इसमें हवलदार साहब जरा सोचिए टैक्सी इनकी डिक्की इनकी राम जाने डिक्की में क्या क्या रखा है हमें क्या मालूम हमें कैसे मालूम हो सकता है हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं मुझे कह रहे थे हमें टोक्यो जाना है जल्दी पहुंचाओ हवलदार साहब मेरी ओर देखिए क्या ऐसा लगता है मैं टोक्यो जा रहा हूँ हवलदार साहब मैं तो इनसे ये कह रहा था हमें पिक्चर जाना है लव इन टोक्यो कैसे खाना बे अरे हवलदार सुना है आशा पारिक ने उस पिक्चर में क्या गजब का काम किया है हवलदार अपन जिस दिन का पिक्चर देख लेता है ना दो रात नींद नहीं आता है हवलदार हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं ये सूटकेस इनकी है ये बदमाश है अबे गुंडे हवलदार ऐसे लगता है ये आदमी दारू का धंधा करता है हवलदार ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन अरे ऐसे ही टैक्सी वाला तो दूसरे टैक्सी वाला को बदनाम करते हैं अरे ससुर का पीछा अरे अरे ये साली मुझे देते चल हट अरे तू समझ नहीं रहा है आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है यानी कि जन्मदिन यार ये साड़ी मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा लव इन टोक्यो हो जाएगा ना यार दे 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 जा ले जा फटाफट क्या याद करेगा कैसे रईस से पाला पड़ा तेरा जियो मेरे फटाफट बाबूजी आते ही होंगे आज सुबह मैंने उनसे एक साड़ी की फरमाइश की अच्छा तू वो भी साड़ी लेकर आ रहा है और मैं भी साड़ी लेकर आया हूँ आज का दिन बड़ा शुभ मालूम होता है आज मैं तुम्हारे पिताजी से जरूर कह दूंगा कि बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता मेरे दिल में जो आग भड़क रही है उसे सिर्फ आपकी बेटी ही बुझा सकती है मैं कहूंगा चंचल के पिताजी आप अपनी चंचल को इस मुरली की मधुर मधुर तान के ऊपर मचलने दीजिए बाबूजी आगे चंचल दरवाजा खोलो खिलाने से मालूम होता है कि इनका मूड बड़ा खराब है आज का शुभ दिन अशुभ होता जा रहा है मैं फिर कभी आऊंगा यही तो मौका है अरे तो फिर क्या करूं ऐसा करो मुझे कहीं छुपा दो और तुम मामले को जरा नरम करो उसके बाद तो होने वाले ससुर और दामाद मिल ही जाएंगे अच्छा बड़ी देर लगा दी बाबूजी मैं आ गया यही शुक्र समझो
मालूम है 1000 की जमानत पर छूट कर आया हूँ। एक बदमाश ने मुझे अंदर करवा दिया था। वो क्या, पहले एक सुअर गाड़ी में आके बैठा, आगे जाके दूसरा गाड़ी में बैठा, उसकी सूट केस में दारू था। पुलिस के सामने वो दोनों कुत्ते एक हो गए और मैं अंदर हो गया। वो पहला आदमी अगर मुझे मिले तो मैं उसकी टायर पंचर कर दूंगा, मैं उसका पिस्टन तोड़ दूंगा, मैं उसकी बैटरी हमेशा के लिए डाउन कर दूंगा। लेकिन बाबूजी, आप तो मेरे लिए साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी की भी तो चोरी। हाँ, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? बाबूजी, आपको याद है मैंने मुरली के बारे में आपसे जिक्र किया था, उसी ने मुझे ये साड़ी दी है मेरे बर्थडे पे। मुरली, उसको ऐसी मूछें हैं, कहाँ है वो, है क्या, भाग गया? बाबूजी अंदर बैठा है आपसे मिलने के लिए। उसे मिलने के लिए? तो जाओ बेटी, उसे बाहर ले आओ, मैं उस मुरली की थान सुनना चाहता हूँ। जाओ चलो, मैंने बाबूजी से सब बात कर ली है। अच्छा, लेकिन डार्लिंग मेरी भाई आप भड़क रही है। मैं समझता हूँ कि शादी की बातचीत हम लोग अगर कल परसों करें तो क्या हर्जे, आज हमारे सितारे कुछ गर्दिश में है। मैं जोशी से मिलके कल परसों शादी की बात तय कर लूंगा। अच्छा डार्लिंग, तुम कहती हो तो चलता हूँ। ए मुरली मनोहर, इस मुरली की रक्षा करना। चलो बाबूजी, ये है मुरली, आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। बेटा, जरा नैन से नैन तो मिला। नैन तो फिर गए हैं। अरे आप तो तेरे दिन भी फिर गए हैं। तो तू है वो मुरली। मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान? अरे मेहमान की खातिर करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये कैसी खातिर है? अरे यही है वो कुत्ता जिसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, साड़ी चुरा के भाग। अरे अरे, शराब में होने वाले दामाद कितनी चमकी करोगे तो तुम्हारी इधर की रंडवी हो जाएगी। अरे टैक्सी ड्राइवर, मैं तुझे देख लूंगा। आई मैया मोरी मन माखन पुनु माखन है का वो पुनु ने जो मैं लियो माखन है का वो पुनु ने जो मैं लियो खाए मैया मोरी मन माखन खायो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। ए बच्चों, दूध तैयार है, मैं ला रहा हूँ। मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो। क्या? अरे बाप रे, आपके धोती पर कौन से चीज बैठी हुई है? धोती पर? कौन से धोती पर? आपके धोती पर।
क्यों ज्योति महाशय, क्या ढूंढ रहे हो? अरे दुष्ट, ये निसंदेह तेरा ही कार्य है। नाम तेरा उजाला और काम है तेरा कावा। बता तूने मेरा दूध क्यों पिया? हाँ पिया पिया, जा बोल दे अंकल को, मैं भी बोल दूंगा कि तुम हमारे दूध में पानी मिला दो और अपने लिए हराम पूरी बना दो। अरे तू कितना अच्छा बच्चा है, ये कितने गंदे कपड़े पहने, तू तो कितने गंदे हो। मैं सब समझता हूँ, मैं अंकल को तेरी शिकायत करके ही रहूंगा। मेरे बाप, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, लेकिन बड़े भैया से मत कहना। मेरी तौबा, मैं आज से हलवा पूरी नहीं खाऊंगा, अपनी अलग से भोजन नहीं बनाऊंगा, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, समझ गया मेरे बच्चे? अबे कौन सा तेल लगाया है? नहीं, मैं तेरी गलती से बिजली की मालिश करूंगा। बहुत सारी चीजें खरीदनी है, बहुत सारे कपड़े लाने हैं और। लेकिन मैंने तो कपड़े पहन रखे हैं। अरे इन कपड़ों से रवि बाबू का दिल नहीं जीता जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे कपड़े आएंगे कहाँ से? शोर को आप शांति कहते थे, हमें बेवकूफ बनाने चले थे, हमें नहीं चाहिए मकान। नहीं हमारे बीच। चलिए जी। आता हूँ। आइए देखिए, आइए। आज फिर छुट्टी के घर मकान पधारे, बच्चों देखिए आए हैं, प्रणाम करो। जब पिछली दफा मैंने रुपए दे दिए थे तो फिर क्यों शोर मचाया? वो तो पिछली दफा के लिए थे सेठ जी, इस दफा का एडवांस देना तो आप बिल्कुल भूल गए। अब मैं एक नया पैसा भी नहीं दूंगा। किसी को जबरदस्ती छोड़िए, चलो आपके सेठ जी का किराएदार है, यहाँ कोई शोर नहीं मचाना। अब के हम सेठ जी के घर के आगे बैठ कर अपनी संगीत मंडली का प्रोग्राम सुनाएंगे। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा और एक एक को बंद करवा दूंगा। हाँ। तो गाना बजाना तो कानून के खिलाफ है, हमारे देश में तो बच्चे के पैदा होने से लेकर बूढ़े के मरने तक धूमधड़ाका ही होता है। और फिर हिंदुस्तान है, हर तीसरे चौथे रोज यहाँ पे त्यौहार होता है, छुट्टियां होती, लोग करें क्या, गाते हैं और बजाते हैं। सोच लीजिए। हाँ सोच लिया प्रभु। आप जो अपना पिछला भारत लाए थे ना, मैंने उससे अपना संपर्क जोड़ लिया है और वो पुलिस के आगे बयान देने के लिए उत्सुक है। आपने उससे 20,000 रुपए पगड़ी मांगी थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? ये लो, मेरी जान छोड़ो। आपका बहुत धन्यवाद। आप कितने दयालु हैं, जी चाहते आपके गले मिल लो। गले मिल लो, गले मिल लो। चलो ताली बजाओ। ये कोई खुश होने की बात है? और ये भी कोई तरीका है पैसे इकट्ठे करने का? क्या बुरी बात है आज? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी की जेब में नहीं काट रहा, और फिर ये पैसे मैं किसी गलत काम के लिए थोड़ी ले रहा हूँ। इन्हीं पैसों से ये बच्चे जिंदा रह सकेंगे, पढ़ लिख सकेंगे, एक बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छी अच्छी शहरी बन सकेंगे। तो बड़े भैया, इस शुभ कार्य के लिए मेरी ओर से ये 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 स्वीकार कीजिए उपहार। नोट तेरे पास कैसे? सेठ जी की दशहरा समझिए। तूने सेठ जी की जेब काटी, पूरी का यही आदत से जेल निकालने वाली, और मैं तुझे अपनी जमानत बाहर लेकर आया। बड़े भैया, तेरी गर्दन तो छोड़ो, मैं जब उस महापुरुष के गले मिल रहा था तो मैंने अनुभव किया कि उसकी जेब नोटों से भारी हो रही है। मुझे भय हुआ कि फट न जाए, और इधर मैंने साल भर से किसी की जेब नहीं काटी थी, सो मेरी उंगलियां भी चंचल हो रही थी, तो मैंने सेठ जी की जेब तनिक हल्की कर दी। और आपको भी तो धन की आवश्यकता थी। चल सेठ जी, माँ बाबा मुझे मारेंगे। मेरा यही इलाज है, चल पैसे वापस कर। मैं आ जाऊं अंदर।
स्मार्ट लग रही हो तुम तो। दीदी आप तो पिंप सब दिखते हैं। ये किताब ये सब रख लो, इससे गर्दन सीधी रहती है और ये स्टाइल से। आप पीछे क्या हाथ उठी पीछे हैं? ये मैं जाऊँ ना दीदी का? हाँ जाके दिखाओ दीदी को। हाँ ऐसे चला चाहिए, वैसे रान चलती है गाइड पिक्चर में, यूँ घुंघरू बांध कर बाजार में चलती है ता। हाँ पीछे देखी गाइड, चलती रहो चलती रहो, पीछे देखी नहीं, पीछे पीछे देखी तुम? हाँ क्यों नहीं, कौन सी फिल्में देखी तुमने? महासती अनुसुईया, नाग पंचमी, हर हर महादेव, कण कण में भगवान, और वो भी नई पिक्चर, वो जहाँ सती वहाँ भगवान। इसे तुम ऐसे चल रही जैसे तीर्थ यात्रा में जा रही हो। तो बच्चा और देखते हैं। बच्चे लोग नए बच्चे के आने पे हम सबसे पहले क्या किया करते हैं? इस बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए? अंकल दीदी का नाम बड़ा प्यारा है, इसे भी हम शीतल कहेंगे। इसका नाम शीतल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब बच्चे लोग की वोट है, इसका नाम शीतल ही होगा। जरा देखिए ना। ओ है तेरे की, ये तो छुपा रुस्तम निकला। बच्चे लोग इसका नाम शीतल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लड़का है। बड़े भैया यदि ये छुपा रुस्तम है तो इसका नाम रुस्तम ही रखते। ठीक है इसका नाम रुस्तम होगा। चलो दीदी आपको क्या पता लगा ये लड़का है? बुढ़ी बात ये है कि वो है ना, आप ही बताइए। दीदी ने उसके रोने से पहचान लिया बेटे, क्योंकि जब ये रो रहा था ना तो बिल्कुल बेसुरा था। लड़के कभी सुर में नहीं रोते। हाँ अच्छा ये बताइए आपने बच्चों के नाम कैसे रखे? क्यों खूबसूरत नहीं है क्या? खूबसूरत है, उजाला, मी, चांदनी, रिमझिम, बादल, सभी अनोखे हैं, कानों को भले लगते हैं, पर इन नामों से इनका धर्म का तो पता नहीं चलता। धर्म? ये सब भगवान के बच्चे हैं। जब मैंने पालने में से उठा कर लाता हूँ तो उन्हें भगवान का रूप समझ के उठाता। मुझे नहीं मालूम इन्हें कोई हिंदू छोड़ गया था या मुसलमान, कोई पारसी था या सिख था या क्रिश्चियन था या बुद्धिस्ट, मेरे लिए सब एक बराबर है। फिर मैं इन पे कौन से धर्म की मोहर लगाऊं? जब ये बड़े हो जाएंगे जो भी धर्म में अच्छा लगेगा ये अपने आप अपना लेंगे। मुल्ज़िम कीर्तन दास, क्योंकि ये तुम्हारा पहला जुर्म है इसलिए सिर्फ 50 रुपया फाइन। मैं फिर कहता हूँ माय बाप, वो सूटकेस मेरा नहीं था। 100 रुपया। वो दारू उन गुंडों की थी। 200 रुपया। मुझे मंजूर है। शर्म नहीं आती आके बंद करके देखते चलते हैं? मैडम हाय मैं मर गई, मेरी कमर, कोई पुलिस को बुलाओ पुलिस। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अभी अभी एक लफड़े से छूटा हूँ, पुलिस को इस लफड़े में मत डालिए। तो फिर किसको बीच में डाले? मैं हूँ ना, आप मेरे घर चलिए, आपके इलाज के लिए जो खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो अपने ही घर ले चलो, लेकिन जल्दी करो, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ये कौन है? ये मैडम का टैक्सी के नीचे एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मैं घर ले आया हूँ। तो फिर आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो मैं बाद में बताऊंगा। मैडम आप घर आराम कीजिए। अरे अंकल जल्दी से मेरा कुछ इलाज करिए ना, मुझे काढ़ा वाला पिलाइए, बताइए इसे बोल पिला दीजिए। सब कुछ पिलाता हूँ, आप घर आराम कीजिए।
हॉस्पिटल में जाने से पुलिस केस बनती है। पहले एक केस से मेरा छुटकारा हुआ है, तुम जरा इनका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। कहिए आपको कहाँ चोट लगी है? अजी मेरे दिल के अंदर चोट लगी है, आप मेरे कलेजे से लगे। बड़ी बेशरम है आप, आपको शर्म नहीं आती है? इस पे शर्म की क्या बात है, मेरी भोली चंचल अपने खिदमतगार को नहीं पहचानी, मुरली मुरली मनोहर मुरली, ये क्या ड्रामा है? लेकिन ड्रामा फेल हो गया ना, तेरा बाप तो डॉक्टर को लेने चला गया, और अगर डॉक्टर को मालूम हो गया कि मैं ये नहीं वो हूँ तो तेरा बाप तो मेरी मुरली बजा देगा। डॉक्टर साहब आइए। कहिए क्या बात है, क्या तकलीफ है आपको? अजी आप भी बड़े अनाड़ी डॉक्टर हैं, मैं सबके सामने कैसे बता सकती हूँ कि मुझे क्या तकलीफ है? एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर जाइए। चलो 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 चलिए, जल्दी चलो, प्लीज लाइ डाउन। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर, कोई फिल्म कंपनी का एक्टर नहीं, समझे? खबरदार जो मेरे पास आए तो। मैडम डॉक्टर को क्या हुआ? पर मैं डॉक्टर को कैसे हाथ लगाने देती, मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने छुआ तक नहीं है। हाँ तो लेडी डॉक्टर को ले आऊं? लेडी डॉक्टर की क्या जरूरत है, आपकी लड़की मेरे लिए काफी है, इनकी खिदमत से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बेटे तुम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करो, ये 20 रुपए लो, समझी? और मैडम मैं चलूं? आपकी मर्जी। नौ जी अंकल। पुटा क्या गे? बाप रे, तुम्हें ये तरकीब कैसे सूझी? अरे ये तो बाद में बताऊंगा, इस वक्त भूख लगी थी, कुछ खाने का बंदोबस्त करो, और ये 20 रुपए मुझे दे दो, सक करके है। टैक्सी खाली है? हाँ जी। अरे ड्राइवर ये चपली किसका है? माफ कीजिए मैडम की चपली है, एक सेकंड में देखे आता हूँ। लेकिन डार्लिंग कभी कभी मुझे तुम्हारे उस बुड्ढे के ऊपर तरस आता है, कहाँ तो वो मुझे अपनी टैक्सी के नीचे कुचल डालने की धमकी दे रहा था, और कहाँ वो खुद मुझे तुम्हारे हवाले करके चला गया कि इसका ख्याल रखना। मजा तो ये है अगर वो अपने ही घर में अपने ही बाथरूम में अपने ही शेविंग सेट पे मुझे शेव करते हुए देख ले तो उस बड़ाऊ का क्या हाल हो। मैं बताता हूँ क्या हाल होगा। क्या होगा? अरे टैक्सी वाले, तुम्हारी चप्पल से तुम्हारे सर के तुम्हारे बाल जाएंगे। Hello, Brahmachari. Oh, yeah. Hello, Herbert. I'm fine, thank you. I'm fine. I'm sorry, Herman. समझो तो पाव रखो, तुमने कितनी बार कहा अगर डांस करते हो तुम्हारा पाँव किसी के पाँव में पड़ जाए तो उसे सॉरी कहते, सॉरी सॉरी मुझे नहीं उसे। तुम कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं सीखो। बैठो, तमाशा बना दिया, सब लोग देख रहे हैं। चलो इसे रखो, यूं रखो। किसकी है? अगर कोई चीज गिर जाए तो हमारे कपड़े खराब नहीं होंगे। रखो ऐसे। सूप, टमाटो सूप, थैंक यू। जी, एकदम एकदम फीका है। थोड़ा नमक डाल लो, ठीक हो जाएगा, और चमचे के साथ पीते। चम्च, चम्च। वेटर सूप ले जाओ। अरे आपने तो पिया भी नहीं। वाकई फीका। मटन कटलेट्स प्लीज। तुम्हें कितनी बार समझाया, सब कुछ समझाता हूँ घर पे, बाहर आकर भूल जाती है। छुरी काटे, छुरी काटे। यस।
हाथ गंदे मत करो। मेरी कमीज गीली हो गई है। बाथरूम जाओ और साफ करके आओ। जाओ कैसे? सब लोग मेरी कमीज की तरफ देखेंगे ना। मैं निकलता हूँ, चलो। उसमें नहीं, इसमें। इसमें क्यों नहीं? वो मर्दों के लिए है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में तो एक ही है। ओफो, चलो ना। अच्छा, अगर मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूं और आपसे वादा करूं कि जो आप सिखाएंगे वो याद रखूंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी, फिर तो आप खुश हो जाएंगे ना? मंगवाओ कुछ खाने के लिए। शीतल, तुम समझती क्यों नहीं, मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। जानती हूँ, पर एक बात समझ में नहीं आती, मेरी खुशी के लिए अपना कीमती वक्त जाया करना, अपनी चीजें गिरवी रखकर मुझे नए नए कपड़े पहनाना, इतने सारे बच्चों को लिखाना पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, ये कोई मामूली आदमी तो नहीं कर सकता। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपको समझना चाहती हूँ। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। एक बेनाम किताब को खोलने से क्या मिलेगा, जिसकी ना तो कोई शुरुआत, जिसका ना कोई अंजाम, जिसमें सिर्फ मिटे हुए सफ़े, बिखरे हुए पड़े हों। आपका असली नाम क्या है? ब्रह्मचारी तो नहीं हो सकता? आज पहली बार किसी ने मुझसे यह सवाल किया। मुझे खुद नहीं मालूम मेरा नाम क्या है, वैसे उसे दुनिया वाले मुझे इसी नाम से बुलाते आए हैं। लेकिन बचपन में आपके माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा। माँ बाप? किसके माँ बाप? बहुत साल पहले वो एक आदमी जिन्हें मैं अपना बाप समझता था, जब आखिरी सांस ले रहे थे तो मुझे बताया कि मैं उनका बेटा नहीं। उन्होंने मुझे सड़क पर से उठाकर पाला था, उनके गुजर जाने के बाद मैंने अपने आप को फिर सड़क पर पाया। फिर मुझे पता चला कि ये दुनिया कितनी बेरहम है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझ में शक्ति थी इसलिए जिंदा रह सका। तब मैंने फैसला किया कि जो बेचारे कमजोर होते हैं और दुनिया वालों के अत्याचार सहन नहीं कर सकते, उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। यूं उनकी आने वाली कल को रोशन करने के लिए मैंने अपना आज कुर्बान कर दिया। इसलिए जब कोई अनाथ या दुखी मेरे आश्रम में आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं दिलजान से अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर देता हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे अपना प्यार नहीं दिया। पर आपने ये कैसे सोच लिया कि आपको कोई प्यार नहीं करेगा? बच्चा लोग कहाँ है? वो जोगी मासी के साथ घूमने गए हैं। मैं अमित और बिल्लू नहीं गए क्योंकि कल हमारी परीक्षा है। अंकल, अंकल, बिल्लू अंदर आ रहा है। क्यों? वो कहता मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। यार मेरी दीदी आज सुबह से कुछ बात ही नहीं करती। क्या बात है? दीदी को आज शाम रवि बाबू से मिलना है और मुझे लगता है वो मिलना नहीं चाहती, इसलिए वो चुप चुप है। तुम लोग ऐसा करो, उन्हें बाहर लेके आओ, फिर मैं उनका मूड ठीक करता हूँ। दीदी आइए, हमारे साथ बाहर चलिए। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलिए ना दीदी, हम आपका दिल बहलाएंगे। चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना, चलिए। ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ना
ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना, हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। दादी क्या मिला रही क्या, पीछे नहीं हटूंगा मैं, हिला को रख डालूंगा, अल्लाह अल्लाह अब मैं तुम्हारे सामने हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की पेश करता हूँ। वाह दीदी वाह, तुम बहुत अच्छी लगती हो। चलो पार बजाओ, डांस भी करो। पक्का मालूम है कि रवि खन्ना जरूर आएगा? आएगा आएगा, जरूर आएगा, और वहाँ बैठेगा, वो टेबल उसके नाम पर रिजर्व्ड है। मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरफ नजर उठा के भी ना देखे। अरे परवी, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि अगर अंदर भी तुम्हें देखे तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। अरे वो आ गया। फिर एक बार बताइए कि अब मुझे क्या करना है, क्या बोलना है? नहीं, पहले वो नेचुरली पहले वो कहेगा कि आपकी सूरत मेरी देखी सी लगती है, और फिर वो कहेगा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और फिर वो पूछेगा नेचुरली कि मैं दोबारा आपसे कब मिल सकता हूँ, और फिर वो कहेगा कि मैं आपको सदा याद रखूंगा। सब याद है, जवाब याद है? एक्सक्यूज मी डार्लिंग, एक मिनट में आता हूं। हेलो ब्रह्मचारी। हेलो भाई, दाद देते हैं तुम्हारे टेस्ट, क्या पार्टनर चुना है, किस बात से लाए हो इस फूल को? फूल नहीं कली कहिए साहब, और जिसके गले का हार होकर ये खिलेगी उसे किस्मत का धनी कहिए। रहा मैं रवि बाबू, बस मैं तो समझिए कि हवा के झोंके समान हूँ, पल भर को इसके गिर्फ नाचा और जरा सी खुशबू ले ली। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर थोड़ी सी हम भी महक ले लें? कमाल करते हैं आप, बुरा क्यों लगेगा साहब, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। क्या बात है? वैसे आप उस कांटे का क्या करेंगे जो आप अपने साथ अपने दामन में उलझा लाए हैं? ये कांटा तो आपको चुभने लगा है। इजाजत दीजिए तो मैं इस कांटे को निकाल फेंकूं। नेकी और पूछ पूछ, बड़ा एहसान होगा। एहसान किस बात का, आप तो हमारे मेहरबान है। क्या नाम है मैडम का? अनिमा गई। तो समझिए ये गई, जरा लंबाई भेजना उसे। तशरीफ रखिए आप। कुछ ऑर्डर दिया? अभी नहीं, मैं बैठी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। That's my girl. इसीलिए तुम पर मरता हूँ। जानते हो आज एक जोशी ने मुझे बताया है कि इसी साल मेरी शादी होने वाली है। Excuse me, आप में से अनिमा घई कौन है? What nonsense? देखते नहीं? I'm sorry. आपके घर से फोन आया। क्यों, क्या बात है? आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आपको फौरन घर बुलाया। पिताजी? मेरे पिताजी कब के स्वर्गवास हो चुके? I'm sorry. माताजी होंगी, टेरेस पे से गिर पड़ी। टेरेस? हम तो रहते ग्राउंड फ्लोर। नहीं, तुमने कुछ गलत सुना। You're right, लेकिन घर में जरूर किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपको फौरन घर बुलाया। हाँ डाली, तुम टैक्सी लेकर जाओ, मैं किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अच्छा
यह है मिस शीतल चौधरी। मिस चौधरी आप हैं मिस्टर रवि खन्ना। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत ही दिलचस्प आदमी है। आप लोग बैठिए बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इजाजत दीजिए, मेरा आइटम शुरू होने वाला। श्योर, श्योर। मिस चौधरी आपकी सूरत मेरी देखी सी लगती है। जी नहीं, मैं पहले आपसे कभी नहीं मिली, लेकिन पहले मैंने आपसे बातें बहुत सुनी और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आप मुझसे कहेंगे मिस चौधरी आप बहुत खूबसूरत है, तो मैं आपको पहले क्यों न बता दूं। जी मुझे मालूम है बहुत गुस्से में लगती हैं आज। अच्छा ये बताइए कि मैं आपसे दोबारा कब मिल सकता हूँ। देखिए मिस्टर, खैर जो भी आपका नाम है, मैं आपसे दोबारा नहीं मिल सकती। सच तो ये है कि इस दफा भी आपसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं, और अगर इसके बाद भी आप मुझको बोर करने पे तुले हैं तो कीजिए। मैं आप जैसी खूबसूरत लड़की की बात का बुरा नहीं मानता। मेरा नाम रवि खन्ना है, आप बेशक रवि कहिए। ओहो, आप रवि हैं या कवि, मुझे आपका नाम जानने की कोई इच्छा नहीं, इसलिए ये नाम मुझे याद ही नहीं रह सकता। लेकिन मैं तो सदा आपको याद रखूंगा। बड़े ठीक हैं आप। आप जैसी सुंदर लड़की को अकेले नहीं फिरना चाहिए। जबरदस्ती के मशवरे का शुक्रिया, मैं यहाँ पे अकेली नहीं, किसी का इंतजार कर रही थी। बड़ा जालिम है वो जो आप जैसी गुलबदन से अपना इंतजार करवा रहा है। अजी साहब हम उसकी जगह होते तो उल्टा आप फिरा देंगे, चाहे इंतजार में मौत ही क्यों ना आ जाए। यही ना, आप मौत का इंतजार कीजिए, मैं चली। गाड़ी क्यों रोक गई? ये बात किस तरह भी मेरे दिमाग से नहीं जाती कि आपको देखा जरूर। क्या सूरत दी है भगवान ने, अनजान होते हुए भी जानी पहचानी लगती। ये क्या गुस्ताखी है? गुस्ताखी हाथ ने की है, लेकिन ये दिल गुस्ताख नहीं। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला दिल आपको दूसरा नहीं मिलेगा। आप मिलती रहेंगी खुद ही जान जाएंगे। आप मुझे फौरन घर ले चलिए। चलिए। क्या हुआ? दीदी अंकल को किसी ने मारा है। लेकिन क्या हुआ था? अरे बच्चे लोग तुम सब बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी दीदी से कुछ कहना है। यहाँ तक कैसे पहुँची? अरे ये क्या हुआ? अरे मेरी बात छोड़ो, अपनी बताओ, रवि के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? वही हुआ जिसकी आपको उम्मीद थी। रवि बाबू ने मुझे देखा, मुझसे बातें की और बस मर मिटे। मैंने भी किसी को देखा, उसे छेड़ा और पिट गया। हराम, कैसे? एक खूबसूरत लड़की देखी, इतनी खूबसूरत थी कि उसे छेड़े बिना नहीं रह सका। आप ये भी सब करते हैं? पहले कभी नहीं किया था, पहली बार किया और पिट गया प्लाजा के सामने। अरे मुझे भी वही एक किसी गुंडे ने छेड़ा था, लेकिन रवि बाबू ने उसको ढूंढ के रख दिया। कहीं तुम ही तो वो लड़की, कहीं आप वो गुंडे। लेकिन आपको ये क्या सूझी थी, पहले मुझे तो बता दिया होता। बता दिया होता तो तुम इतना डरती कैसे हो? फिर मैंने ये सब ड्रामा तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए तो किया था। बहुत मारा है। अरे मार के रख दिया, कमबख्त सीरियस हो गया, जालिम ने मेरा कीमा बना दिया। लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत? बात तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? मैं तो औरों के सुख के लिए जीता हूँ। तुम्हारी जिंदगी खुशी से भर जाए, मेरी इसी में खुशी है। और फिर मत भूलो, तुम्हारी शादी रवि बाबू से हो जाए तो 20,000 रुपए मुझे मिलेंगे। लेकिन रवि से मिलकर आज मेरे बहुत से सपने टूट गए। मैंने क्या सोचा था और वो क्या निकला? बड़े भैया, बड़े भैया, आज आपका पत्र आया था, देने में तनिक विलंब हो गया, क्षमा कर दीजिए। अच्छा भैया, जय जय श्याम गणेश। किसका खत है? राजदान साहब ने जो मेरा इश्तेहार छापा वो अपना काम कर गया। कोई मिस्टर एंड मिसेस वागले कल हमारे यहाँ आ रहे हैं एक बच्चा गोद लेने के लिए। बच्चा लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये तो तुम जानते हो मैं तुम सबसे कितना प्यार करता हूँ। और हम भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं। जानता हूँ तुम सब पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, अच्छे इंसान बनो, बस यही मेरी तमन्ना है। लेकिन तुम्हारी बहुत सी जरूरतें जो मैं अपनी मजबूरी की वजह से पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कल यहाँ पे एक साहब आ रहे हैं जो तुम में से एक बच्चे को चुनेंगे और उसे अपनी औलाद की तरह पालेंगे। इस तरह एक एक करके तुम सबको अच्छे घर मिल जाएंगे, माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। अंकल आपसे ज्यादा हमें कौन प्यार करेगा? अंकल हमें से कोई नहीं जाना चाहता,
तुम नहीं समझते, तुम बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हें से जो भी चुना जाएगा उसका नसीब जाग उठेगा। वहाँ ढेर सारे खिलौने मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े, ड्रेसेस और खाने को क्या अच्छी अच्छी उम्दा चीजें मिलेंगी। हाँ हमें वो सब नहीं चाहिए अंकल, अपन इसी हाल में खुश है। बगल मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। जा सो जा और सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। हाँ और उनके सामने कोई मस्ती नहीं करना। जाओ सो जाओ, गुड नाइट। जाओ बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी। देखा नहीं आज किसी ने आपसे गाने को भी नहीं कहा। मैं समझता हूँ शीतल, मैं सब समझता हूँ, लेकिन इसी में इनकी भलाई है। इस तरह ने माँ बाप मिल जाएंगे, ये जिंदा रहेंगे। मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी जो जो नहीं मिलना चाहिए मैं सब इन्हें नहीं दे सकता। ये जहां भी जाएंगे यहाँ से ज्यादा सुखी रहेंगे। अच्छे अच्छे रवि बाबू घर जाकर तुम सुखी रहोगी। खुश नहीं हुई सुन के? पता नहीं, तुम जब मुझसे रूठ के गई हो तो रात हजारों लाखों आंखों से सुबह तक मेरा गम देखती रही और उसके आंसू ओस की बूंदे बन के गिरते रही। ये खत सुनाने के लिए बुलाया है मुझे? अब प्यार के नाम से भी चिढ़ने लगी। खैर देखो, अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अपनी माता जी के पास ले चलो। अगर तुम में कहने की हिम्मत नहीं है तो मैं उनसे कह दूंगी। लेकिन उनसे कहोगी क्या? यही कि हम दोनों शादी करनी चाहते हैं, और साथ साथ उनके कान में मैं ये भी डाल दूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर माँ ने विश्वास न किया तो? विश्वास क्यों नहीं करेगी, तुम जो मेरे साथ हो। तुम तो जानती हो कि मैं माँ से कितना डरता। फर्ज करो उनके सामने मेरी हिम्मत ने जवाब दे दी और मैं कुछ न कह सका तो मैं उन्हें ये लव लेटर बता दूंगी। ये देखकर उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आज ही हिम्मत करके माँ से सब कुछ कह दूंगा। कैसे मिलना? मिस्टर ब्रह्मचारी है। मैं जी। ओ, मेरा नाम सतीश वाग्ले है, ये मेरी मिसिस उमा वाग्ले। ओ, नमस्ते जी, नमस्ते। आइए तशरीफ रखिए, मुझे आपका इंतजार था। शुक्रिया, बैठिए। क्या क्या पेश करूँ? चाय पियेंगे आप? ठंडा चाय हम पीकर आए हैं ब्रह्मचारी। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? जरा बच्चों को बुलाइए। ब्रह्मचारी जी, दरअसल हमारी शादी को 10 साल हुए। ईश्वर ने धन दौलत इज्जत सभी कुछ दी है, बस एक औलाद की कमी है। आपका इश्तिहार पढ़ के सोचा एक बच्चा गोद लेने। बहुत अच्छा ख्याल है, आप जैसे लोग आगे आएंगे तभी बच्चों की जिंदगी बनेगी। वाले साहब, मैंने अपने बच्चों को बड़ी मोहब्बत से पाला है, उम्मीद रखता हूँ कि जो भी बच्चा पसंद करेंगे उसे आप प्यार से रखेंगे। मैं आप निश्चिंत रहिए, मैं बच्चे को इतने प्यार से पालूंगी जैसे मैं अपने कोख के बच्चे को पालती हूं। जी हाँ, मेरे बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे हैं, स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं और पढ़े लिखे हैं। इनमें से किसी एक बच्चे को पसंद करना बहुत मुश्किल होगा, आपको सभी अच्छे लगेंगे। जी बच्चों, बच्चे हैं, खराब कर लिए। मैं अभी साफ कर देता हूँ। देखिए देखिए, कैसे खूबसूरत बच्चे हैं, फूल जैसे निकल आए हैं। इसका नाम उजाला है, ये आपके घर में आपकी जिंदगी में उजाला बनकर रहेगा। जाओ बेटे। वहाँ तुम्हें रहने के लिए अलग कमरा मिलेगा, नौकर चाकर होंगे, घूमने के लिए गाड़ी होगी। हाँ बेटा, चलो हमारे साथ। अगले साहब ले जाइए। देखते, मैं बहुत थोड़े रुपए कमाता हूँ और तू मुझसे कभी कभी साइकिल की फरमाइश करता है, कभी सूट की, कभी घड़ी की, और मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। ये तुझे घड़ी देंगे, तुझे साइकिल भी देंगे, ये तुझे सूट भी देंगे, सब कुछ देंगे बेटा। जो कुछ लेके जाएंगे हमारे हफ्ता में चलोगे। आ बेटे, शाबाश।
बच्चे से खिलौने लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे अपने बेटे का। मैं नहीं खाऊंगा। खा लो ना बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। तुम नहीं खाओगे तो हम कैसे खाएंगे? मैंने कह दिया ना मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा अगर तुम नहीं खाओगे तो हम बगैर खाए काम पे चले जाएंगे। अच्छा ये बताओ शाम को तुम्हारे लिए क्या कह रहा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसे समझा लूंगी। अरे बच्चे से बुला रहे बैठे बच्चा कोई ताली नहीं बजाया? कोई बात नहीं कर रहा आज की किसी दिन? बच्चा लोग देखो मैं तुम्हारी क्या लाया हूँ, चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट। देखो कोई बात नहीं, हम गुड्डी को देंगे। लो बेटे गुड्डी। हमें नहीं चाहिए। आप उजाला को भेज दिया इसलिए सब आपसे रूठे हुए हैं। उजाला के बगैर इनका दिल नहीं लगता। और मैं तुम सबको कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे समझाऊं कि मैंने जो कुछ भी किया उजाला के अच्छे के लिए किया। तो मुझे उसे प्यार नहीं था, उसका घर में नहीं होना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो नसीब वाला था जो इतने अच्छे घर में गया। काश कि तुम सब भी ऐसे अच्छे अच्छे घरों में जा सको जहाँ के तुम्हें माँ बाप का प्यार मिल सके। क्या आप हमें प्यार नहीं करते? क्या दीदी हमें प्यार नहीं करती? देखो मुझे बहुत जोर की भूख लगी, चलो सब मिलके खाना खाते हैं। बड़ा भैया हम भोजन नहीं करेंगे, आपको भूख लगी तो आप कर लीजिए। तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तुम चाहते मैं भूखा रह जाऊं? तो जाओ सो जाओ। किसकी आवाज, कौन रो रहा? ये पूछिए कि कौन रो नहीं रहा। प्लीज बच्चा लोग मत रो, मुझे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। गुड्डी मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे नाराज हो, मुझसे रूठे हो, लेकिन आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उजाला कितना खुश है। आओ, आओ। मैं बताता हूँ तुम्हें कि इस वक्त उजाला क्या कर रहा है। जानते हो इस वक्त उजाला क्या कर रहा होगा? एक बहुत बड़े मकान में, बहुत बड़े कमरे में, बहुत बड़े पलंग पर वो आराम से गहरी नींद सो रहा होगा। मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी। उस दिन के ख्वाब सजाऊं, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ। जी करता फिर एक
सुख सपनों में खो जाओ मैं गाऊं इनके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। बड़े भैया बड़े भैया, गजब हो गया, बागले माधव उनकी पत्नी आ गई। दीदी मैं नहीं जाऊंगा। बेटा तुम्हें कोई भी नहीं ले जा सकता, चल मेरे साथ। नमस्ते बागले साहब। नमस्ते। देखा मैं ना कहता था पुलिस में खबर करनी बेकार है, जाना जरूर यहीं आया होगा। भगवान की दया से बच्चा मिल गया, मैं कितना डर रही थी। उजाला आपके यहाँ से भाग चलाया, समझ में नहीं आता क्या करूं। ये वापस नहीं जाना चाहता, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। इसका भला किसमें है, ये इतना भी नहीं समझता। बच्चा एक ही चीज समझता है, प्यार, और वो इसको हमसे ज्यादा आपसे मिलता है। मैं एक औरत हूँ, फिर भी इसे आप जितना प्यार ना दे सके, ये बच्चे बिन माँ बाप के होते हुए भी यतीम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये एक यतीम खाने में नहीं आपके दिल में रहते हैं। उजाला बेटा, बस एक बार मेरे कलेजे से लग जाओ, ताकि मैं इसी खुशी के सहारे जी सकूं कि मैं भी माँ बनी थी, चाहे एक दिन के लिए सही। जाओ बेटे जा। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। चलो अम्मा। ब्रह्मचारी जी नमस्ते। चलो आओ। अंकल आज पिकनिक नहीं चलेंगे? बेटा मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है पिकनिक। नाचो गाओ शोर मचाओ। सेठ जी आज आप बड़े खुश नजर आते हैं। खुश क्यों ना हो, मेरे रुपए जो बच गए अब तुम मुझे लूट नहीं सकते। खूब शोर मचाओ, खूब चिल्लाओ, मेरे किरायेदार अब भागने वाले नहीं हैं। दोनों पति पत्नी बहरे और गूंगे हैं, वो तुम्हारे शोर सुन नहीं सकते, समझे? क्यों कैसी रही है सेठ जी, ये कोई शराफत है? शराफत? अब तुम लोग मातम मनाओ, अब मैं डांस करूंगा, डांस करूंगा, डांस करूंगा। सेठ जी आपकी तबीयत हरी कर गया? मेरी अकेले की नहीं, सबकी, उसमें तुम भी शामिल हो। 200 रुपए का नुकसान हो गया, कैश नगद। अंकल आज की पिकनिक गई? अरे गई क्यों, खर्चे वाली ना सही, घूमने फिरने चल रहे। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जा। चलो बादल कहाँ है? गाड़ी निकली अपनी सवारी।
ये बंसवर के कहां जा रही हो? रवि के साथ, जिससे तुम नफरत करने लगे हो? लेकिन रवि से मिले बगैर जाना भी तो नहीं है। ब्रह्मचारी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, क्या मैं उसका आश्रम नहीं छुड़ाऊंगी जो गिरवी पड़ा है? 20,000 के लिए क्या अपने जीवन भर के सुख का बलिदान कर दोगी? क्या तुम ब्रह्मचारी से प्यार नहीं करने लगी हो? भगवान, मैं क्या करूं क्या ना करूं? एक बात तो मैं बताना भूल गया। आज ही मुझे एक जोशी ने बताया है कि इसी साल में मेरी शादी होने वाली है और लड़के का नाम ऐसे शुरू होगा। भला शीतल, जोशी कैसे पता चला कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? बोलो बोलो बोलो। साहब, आपका फोन आया। ओफो, ये अमीर होना भी मुसीबत, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते। मैं अभी आता हूं। हेलो मिस चौधरी, आप हमें नहीं जानते मगर इंसानियत के नाते हम आपको होशियार करने आए हैं। इस आदमी से जरा बच के रहना, रवि ने हमें झूठे वादे देकर हमें धोखा दिया है। अब उसकी नजर आप पर पड़ी है, अब वो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। आप मेरी फिक्र ना करें, रवि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ना ही मुझे रवि से प्यार है और ना ही उसके पैसे से। आप लोगों ने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि आपको उसके पैसे से प्यार था। फिर आप उसके साथ घूमने क्यों जाती है? इसलिए कि मुझे रवि से एक बात का बदला लेना है। मैं एक दिन उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो जिंदगी भर किसी लड़के से बात ना कर सके। चले चले। पचास हजार के शेयर के लिए क्या बात है, कुछ मूड बदला हुआ है? मैं किसी को नाचने जाने का सोच रही थी। आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। क्या है? पहले आंखें बंद करो तो बताऊं। ये तो अंगूठी है। हाँ, हमारी मंगनी की अंगूठी। अब और सबर नहीं होता सीधा, जल्दी बताओ मुझसे शादी कब कर रही है? शादी और तुमसे? सपना तो नहीं देख रहे? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या मतलब? याद है एक दिन तुमसे मैं शादी के लिए विनती कर रही थी और तुमने मुझे ठुकरा दिया था। यही वो घर था, यही वो कमरा था और यही वो जगह थी। क्या कह रही हो? वो शीतल चौधरी और तुम, पर मैं पहचान न सका। मैं भी क्या अंधा हूँ? मगर मैं तो अंधी नहीं, मैंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। उस दिन की बसलूकी के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन वो तुम्हारे बाबूजी और मेरे पिताजी दोनों मर चुके हैं और उनके साथ उनका तय किया रिश्ता था। तुम जैसे मामूली आदमी से मुझ जैसी शहजादी की शादी सिर्फ कहानियों में हुआ करती है, जिंदगी में नहीं। इस तरह मेरा दिल न तोड़ो, मैं एक शरीफ आदमी और हर लिहाज से एक अच्छा खावन साबित होऊंगा। तुम तो हमारे कुत्ते किंग से भी कह दिसे। मुझे इतना जलील ना करो। अब मेरा बदला पूरा हुआ, आज वो दिन आया है जिसके इंतजार में मैं जी रही थी, ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा ख्याल भी अपने दिल में नहीं आने दूंगी और मैं खूब जानती हूँ
आज के बाद तुम मुझे भुला ना सकोगे। क्यों, कैसा रहा तमाशा? मैंने वादा किया था ना कि एक दिन इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। आज ही हमें एक जोशी ने बताया है कि इसी साल एक आदमी की पिटाई हमारे हाथ से होगी और जिसका नाम आज से शुरू होता है। भला शीतल, ये जोशी को कैसे पता चला कि उसका नाम रवि है? क्या बदतमीज़ है, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। अफसोस है कि बुखार अभी तक 106 से नीचे नहीं आया। बच्चे की टांग से जहर निकालते वक्त जहर इनके जिस्म में चला गया और उसका असर अब दिल तक पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब, आप कहें तो किसी स्पेशलिस्ट को बुला लीजिए। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर बुखार कम हो जाता तो कुछ बचने की उम्मीद थी। अब तो सिर्फ भगवान पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। बच्चों से इतना प्यार है, मुझे नहीं मालूम था। ये बच्चे मुझे उतने ही प्यारे हैं जितने आपको, लेकिन मेरी वजह से आपका एक नुकसान हुआ। नुकसान? हाँ, आज रवि बाबू ने मुझसे शादी की बात की लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब मैं आपको 20,000 रुपया नहीं दे सकूंगी। अरे पगली, मेरे बच्चे की जान बचाकर तुमने मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दी। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं कहीं का न रहता। सच? मेरा मतलब है कि रवि बाबू के साथ शादी करने से तुमने इनकार क्यों कर दिया? जानना चाहते हैं तो मेरी आंखों में देखिए, मुझे जिस आदमी से प्यार है वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। बचपना मत करो। मैं धरती से उखड़ा हुआ दरख्त हूँ, जो खुद बेसहारा हो वो किसी को क्या सहारा देगा? मुझे सहारा नहीं, प्यार चाहिए। मैं प्यार की भूखी हूँ। अच्छा, एक दफा मेरी आंखों में आंखें डालकर तो कहिए, क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? मैं तुम्हारे काबिल नहीं शीतल, मेरा कोई भविष्य नहीं। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, बस यही मेरी जिंदगी है। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं बनने वाला। बस यही जिंदगी की अंधेरी राहों में भटकता एक दिन गुमनाम बेनिशान खो जाऊंगा। अंधेरी राहों में दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो रास्ता अपने आप रोशन हो जाएगा।
पहले मुझे अपने बच्चों से पूछना होगा। बचा लो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर मैं तुम्हारी दीदी से शादी कर लूं? अंकल आज मैं दीदी से शादी करूंगी। ठीक है, तू भी दीदी से शादी कर, मैं भी दीदी से शादी करता हूँ, किसी को कोई एतराज तो नहीं? मुझे है। तुम्हें क्या तकलीफ है दीदी? आप मुझे रोज रोज नहाने को क्यों कहती हैं? आज से नहीं कहूँ बस। छोटी कल से इसकी ड्राई क्लीनिंग शुरू कर दे, ठीक है? मंजूर। अंकल दीदी प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है। हमें तुम क्या समझते हो, हमें तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा हम हैं, खुदा हम हैं, खुदा खुदा क्या समझते हो, हमें तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा छलका के वो देखा जो तूने शर्मा के, पहलू में तेरे आ बैठे हम तो जहान ठुकरा के, मोहब्बत के खुदा हम हैं, खुदा हम हैं, खुदा खुदा समझते हो, हमें तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा हम हैं, खुदा हम हैं, खुदा 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 खुदा। क्या कर रहा है? चंचल की शादी हो रही है। अरे किससे?
एक ऐसे आदमी से जो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उसकी बीवी कहाँ? यही तो मुश्किल है, उसकी बीवी यहाँ से सैकड़ों मील दूर रहती है। बड़े भैया मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद करिए। थामो 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 बंबई निवासियों, ये विवाह नहीं हो गई है। ये जो छोरू या बैठा है ना, इसका विवाह हो गई है। इसकी पहली बहू हमारे गांव ढोलकपुर की छोरी सू और हम ठहरे ढोलकपुर के चौधरी। क्या मेरी शादी हो गई? ये झूठ है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम ढोलकपुर है कहाँ। मैंने क्यों छोड़ दिया प्रांता? मारा प्रांत तो बताओ, हमारी सेवा में क्या कमी हो गई जो तू जी शादी कर रहा है? धीरे रख बाकी छोरी, सब बराबर हो जाती। ये क्या हो रहा है कीर्तन दास जी? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। भाइयों मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है जबकि मेरी शादी नहीं हुई। पिताजी अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मैं कहाँ से आई और ये मेरे चारों बहन? पिताजी ये क्या तमाशा है? बताओ छू भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ हर साल चोरी हुआ करती थी और याने छोड़ा जो ये था। आमे मारा सू दोष है, मने इंसाफ जो ये हूँ सू करूँ, समय बताओ, समय बताओ सू करूँ। पांच बच्चियों का बाप होकर दूसरी शादी करता है? कीर्तन दास तुम अपनी बेटी का धोखेबाज के बल्ले बांध रहे हो। राम 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 राम, एक बेबा सपना के ऊपर इतना अत्याचार, आज के जमाने में दूसरा व्यवहार चाहते हो? अरे पाखंडी, हम अभी पुलिस को घोषित करते हैं। लेकिन मेरी भी तो सुनिए। चुप, तू क्या सुनाएगा? कीर्तन दास तू धोखा दे रहा है, अपने स्टेट में पैर रख और भाग यहाँ से, मैं तो ओवरटेक करके तेरा एक्सीडेंट कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। चौधरी जी आपने मेरी इज्जत बचाई, श्रीमान जी इनका उपकार पीछे चुका लीजिएगा, पहले किसी दूसरे वर का प्रबंध कीजिए। समय बीता जा रहा है, यदि 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ तो वो जीवन भर कुमारी रहेगी। मगर पंडित जी मिनटो और सेकंडो में मैं दूसरा लड़का कहाँ से लाऊं? तो फिर श्रीमान जी भविष्यवाणी सुन लीजिए, 10 मिनट के पश्चात शनि के घर में मंगल प्रवेश कर रहा है और उसकी ज्वाला से भय है कि पुत्री के पिता की आंखों की रोशनी चली जाएगी, वो जीवन में अंधा रहेगा। अरे छोरी का ब्याह कोई ना होवे और भाई साहब अंधे, ये सत्य वचन है, सत्य वचन है। चौधरी जी मेरी मदद कीजिए। श्रीमान जी 3 मिनट बीत गए, शनि के घर में मंगल प्रवेश कर रहा है। हरि ओम। अलख निरंजन। कौन? मुरली? हाँ ससुर जी मैं हूँ मुरली, लेकिन अब साधु बन गया क्योंकि आपने अपनी लड़की के साथ मेरी शादी नहीं की, इसलिए मैं हिमालय पर्वत की ओर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले सोचा कि आखिरी बार चंचल के दर्शन करता चलूं, सो आ गया। 5 मिनट और बीत गए। हाँ बेटा मुरली, अब तुझे हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे सूरदास सोने से बचा ले और मेरे लड़की से शादी कर ले। नारायण नारायण, कीर्तन दास जी क्या करें आप, मैं अब संसारी कैसे बन सकता हूँ? मैं तो साधु बन गया हूँ, मैं शादी ब्याह के बंधन में कैसे बन सकता हूँ? मगर मैं तुझे साधु नहीं बनने दूंगा। लेकिन अब मैं संसारी भी कैसे बन सकता हूँ? आप ये ऑफर काफी लेट दे रहे हैं, मेरे पास जितनी धन दौलत थी मैं सब त्याग चुका हूँ, दान दे चुका हूँ, और आप तो जानते हैं घर बार चलाने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है। हाँ बात भी सच्ची है, रुपया पैसा तो देना ही पड़ेगा भाई साहब। क्या चाहिए तुझे, बोल क्या चाहिए तुझे? एक ब्रांड न्यू टैक्सी दे दो। न्यू टैक्सी? मंगल के घर में शरीर प्रवेश कर ही रहा है। अच्छा टैक्सी दे दूंगा। मैं इस बात का गवाह हूँ भाई साहब। अब मैं इसका दूसरा साक्षी, आप जल्दी से इसको ब्याह के वस्त्र पहनाइए और जल्दी कीजिए। तेरा तो मैं ससुर जी के हाथ से पहनूंगा। आप फिक्र न करें, मैं जब किसी से मदद का वायदा करता हूँ तो उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आप उसे ब्रह्मचारी घर से वापस ले आए, मैं माता जी को इस बात की खबर नहीं होने दूंगा। बेटा तुम साक्षात देवता हो जो सब कुछ जानते हुए भी शीतल को स्वीकार कर रहे हो। माँ जी किसी की गलती पर पर्दा डालना ही इंसानियत कहलाती है। अगर इंसान ही इंसान को माफ नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? स्वर्ग पिताजी और स्वर्गवासी चाचा जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनका तय किया रिश्ता हो जाएगा। मामा जी एक मिनट आइए। ये लीजिए 10,000 रुपया और शीतल को आज ही यहाँ आ जाना चाहिए। और सुनिए, जब मैं किसी से खुश हो जाता हूँ तो बहुत मेहरबान हो जाता हूँ और अगर नाराज हो जाऊं तो बहुत जालिम बन जाता हूं, इसलिए भूल नहीं होनी चाहिए मामा जी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के लिए मर चुकी हूँ। ये मेरा नया जीवन है जो इनकी देन है, मैं इनसे शादी करके इसे सुख से मिटाऊंगी। मुझे अपनी खुशी चाहिए, समाज की खुशी नहीं। तू नहीं जाएगी तो मैं यही समुन्द्र में डूब मरूंगी, लोगों के ताने सुनने से तो मर जाना अच्छा है। माँ ऐसी धमकी देके माँ की महानता को कम मत करो,
आज तुम्हारे भी प्यार का इम्तिहान है। एक तरफ तुम्हारी बेटी का सुख चैन और दूसरी तरफ समाज। बोलो, एक अच्छी माँ होने के नाते तुम दोनों में से किसे चुनोगी? विद्यावती, इससे बहस करना बेकार है। ये सीधी तरह नहीं मानेगी। तेरा बुरा भला सोचना हमारा काम है, तेरा नहीं। सर, और तो नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ। मैं इसका मामा, ये अभी नाबालिग मेरे ताबे में है। तुमने अगर बीच में पड़ने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। उनके साथ चलिए। अब ये गुस्से में खड़े हुए लोगों से उतरे तो शरीर हमारी बात मान जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं इनके साथ चली गई तो ये मुझे जितने दिन नरक में धकेल देंगे। माँ जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे माँ जैसे पवित्र रिश्ते की बदनामी हो। तुम क्या जानो माँ के रिश्ते को, जिसने कभी अपने माँ को देखा ही नहीं। लेकिन मैंने तो देखा है और देख रही हूँ कि माँ किस तरह समाज के राक्षस पर अपनी औलाद को बलि बना के चढ़ा देती है। मेरे मुंह पर पड़ा और मुझे मां का कोई भी अपनी हड्डी पसी तुम्हारे बगैर नहीं करा, समझा? ये तू नहीं, तेरा गला खून बोल रहा है। भगवान के लिए गुस्सा, भगवान के लिए गुस्सा चली जा। तुम्हें अभी इनका खून बहा के इनकी समाज के आगे साबित कर दूंगा। खून के खून से कहीं अच्छा। फैसला नहीं बदल सकते। ये लो 10,000 रुपया और कहीं जाकर इस मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा लो और मुझे बोर ना करो। क्या क्या कहा? हाँ हाँ, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, समझी? मेरे पास तुम जैसी गले पड़ने वाली लड़कियों के लिए कोई वक्त नहीं है। ये तुम कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मुझे इस दशा में छोड़कर खुद निकल भागना चाहते हो? कुछ ही दिनों में सबको मेरी हालत का पता चल जाएगा, तब दुनिया वाले मुझे इससे कोई गरज नहीं। तुम जैसी लड़की की कीमत 10,000 रुपए क्या कम है? देखती हूँ तुम कैसे मुझसे पीछा छुड़ाते हो। क्यों, क्या बिगाड़ लोगी मेरा? इसका फैसला तुम्हारी माता जी करेंगी। मैं आज ही तुम्हारी चिट्ठी लेकर उनके पास जाती हूँ और उनसे अपना हक मांगती हूँ। चिट्ठियाँ? कौन सी चिट्ठियाँ? मैंने आज तक किसी लड़की को कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अच्छा, अभी बताती हूँ। झुटला सकोगे? मेरी चिट्ठियाँ कहाँ है? मेरी चिट्ठियाँ? सर, तुमने कुछ किया है मेरी चिट्ठियाँ? तुम बस दलील और कमीने हो। वो चिट्ठियाँ मेरी बेवकूफी का खुला सबूत थी, इसलिए मैंने उन्हें जला दिया। ऐसा प्यार का खेल तो मैं हजारों लड़कियों के साथ खेलता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं हर एक के साथ शादी करता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी से खेला है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इसी में है कि ये रुपया लो और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। और सुनो, दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। देखो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे ये छोड़ कर जाओ। आज देख, मेरा सारा दिन बहुत ही मनुष्य गया है। एक बहुत ही बड़े रईस की जेब काटी, देखो निकला क्या उसमें से। क्या निकला? प्रेम पत्र। जब रूप, जब से तुम नजरों में समाई हो कोई सूरत हंसी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ताजमहल को चांद। ये तो कोई मजनू का चेला मालूम होता है। देखो यार, ये चिट्ठियां वो अपनी जेब में लिए घूम रहा था, जरूर उसके काम की होगी। और अगर उसको काम की हुई तो इसके बदले वो पैसे भी देगा। माँ जी, मुझे शीतल से मिलना। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम भी लिया। माँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार उनसे मिलने दो। खोलो दरवाजा। मामा, मामा जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा। तो आप लोगों ने शीतल को कमरे के अंदर बंद कर रखा है। मैं ये हर किसी होने दूंगा, आगे मत बढ़ना। तुम उसने के घर आके जबरदस्ती करते हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। कल ब्रह्मचारी के आश्रम पर कुर्की आ जानी चाहिए। रवि बाबू, बारिश के दिन है, मैं बच्चों के लिए सोच रहा था। आपको अपनी डूबती हुई रकम के बारे में सोचना चाहिए। मैं दुगनी रकम देने के लिए तैयार हूँ, सोच लीजिए। सर, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दीजिए। आई सेड नो मोर। गिरवी के कागजात में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम वक्त पर रुपया अदा न कर सके तो मैं तुम्हारे मकान पर कब्जा करने का पूरा हकदार हूँ। मुझ पर ना सही,
मेरे मासूम बच्चों पर तरस खाई। तरस खाऊं? किस पर? हराम के बच्चों पर? बच्चे कभी हराम के नहीं होते सर, हरामी होते वो माँ बाप जो उन बच्चों को तज देते हैं। इसमें बच्चों को क्या कसूर है? तो क्या मेरा कसूर है? बच्चे भगवान की अमानत होते तो भगवान को लौटा दो उसकी अमानत। जाओ मेरा सर मत खाओ। जाने से पहले वादा चाहता हूँ, मेरा घर नीलाम नहीं होगा। नीलाम होगा, जरूर होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बचाओ, निकाल दो, धक्के देकर इसको बाहर। हमें धमकी देता है। सॉरी। जरा सोचिए सर, इस जोर की बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। अरे इतने बरसों में कुछ नहीं कर सके तो चंद दिनों में कौन सा तीर मार लोगे? जाओ हटो, अपना रास्ता पकड़ो। बच्चों को खिलौने वापस कर दो। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कुछ मेरा है, अदालत ने मुझे दिया है, इस घर का हर सामान मेरा है। शुक्र करो कि तुम्हारे तन के कपड़े छोड़ दिए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत और दे दीजिए। मैं कल अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चला जाऊंगा, एक दिन की मोहलत। क्यों, क्या कल कोई घोड़े का नंबर लगने वाला है या कोई लॉटरी निकलने वाली है? शायद कोई इनकी मदद के लिए आ जाए। रवि बाबू, आप दोस्त हैं ब्रह्मचारी के? जी नहीं, दोस्त नहीं, लेकिन दुश्मन जरूर। लेकिन एक समझदार दुश्मन ना समझ दोस्त से कहीं बेहतर। बात सुनो ब्रह्मचारी, मैं तुम्हें 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम सारी उम्र लगे रहो ये रकम मुझे वापस नहीं लौटा सकते। हाँ, इसके बदले में एक चीज तो मुझे दे सकते। क्या? मेरा प्यार। आपका प्यार? हाँ, शीतल। मुझे शीतल से प्यार है, शीतल को मुझे वापस लौटा दो। तुम्हारा ये आश्रम जिससे तुम प्यार करते हो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, यही मेरी शर्त है। आपने ऐसी बात करने की हिम्मत ही कैसे की? शीतल मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है जिससे मैंने प्यार किया। मैं अपनी मोहब्बत को नीलाम कर दूं? आज तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। तुम परले दर्जे के मतलबी और खुदगर्ज इंसान हो। इन बच्चों से तुम्हारा प्यार झूठा है। तुम इनका भविष्य, इनकी जिंदगी कुर्बान कर सकते हो, लेकिन शीतल को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें अपने आदर्श से, अपनी खुशी, अपना सुख ज्यादा प्यारा है। रवि बाबू, मेरा आदर्श क्या है, मेरी खुशी किस में है, मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं। क्यों, सच्चाई कड़वी लगी? तुम अपना दिल नहीं तोड़ सकते, लेकिन इन बच्चों का दिल तोड़ सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ इन बच्चों के लिए जीते हो, लेकिन अब पता चला कि तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो। जरा ये तो बताओ, अगर इस वक्त इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया तो इन्हें सब छुपाने के लिए कहाँ जगह मिलेगी? माफ कीजिएगा रवि बाबू, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। इन बच्चों को मैं अलग अलग 3 सरकारी आश्रमों में भिजवा रहा हूँ। अंकल, क्या आप हमें भेज देंगे? हम आपके पास ही रहेंगे अंकल। हम नहीं जाएंगे अंकल। नहीं बच्चों, अब तुम्हें जाना ही होगा। ब्रह्मचारी को बीवी मिल गई, इसके अपने बच्चे होंगे, अब तुम सब इसके लिए बोझ बन गए। अंकल, क्या सच है कि हम आपके लिए बोझ बन गए? अंकल, हम आपके लिए बोझ नहीं बनेंगे। आप हमारे लिए दीदी की कुर्बानी मत दीजिए। आप हमारी चिंता न करें, हम भगवान के बच्चे, भगवान ही के पास लौट जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम लोग मेरे लिए मरने को तैयार हो और मैं अभी तक इस सोच में हूँ कि अपना प्यार तुम्हारे लिए कुर्बान करूँ ना करूँ। पागल हो गया हूँ मैं, धिक्कार है मुझ पर। ऐसा ख्याल दिल में आने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं बच्चों, तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे कभी भी जुदा नहीं होगे। जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे, मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहोगे। रवि बाबू, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, कुर्की उठवा लीजिए, जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। लेकिन याद रहे, तुम्हें न सिर्फ शीतल का दिल ही तोड़ना होगा बल्कि उसके दिल से अपनी याद तक मिटा देना होगी। ऐसा ही होगा। आइए मेरे साथ और अपनी रकम ले लीजिए। ठीक है ब्रह्मचारी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। मेरी रकम मुझे मिल रही है, तुम इस मकान में रह सकते हो और कल से काम पर आ जाना। हेलो शीतल, कहाँ जा रही हो इस वक्त? तुम्हें इससे क्या? इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम ब्रह्मचारी के पास जा रही हो तो मेरी कार मौजूद है, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। तुम और मुझे ब्रह्मचारी के पास ले जाओगे? क्यों नहीं शीतल, मैं दूसरों के जज्बात समझता हूँ और उनकी कदर करनी जानता हूँ, सिर्फ तुमने मुझे समझने में भूल की। खैर छोड़ो, आओ।
आज तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। ऐसी जल्दी भी क्या, फिलहाल इस सिलसिले को यूं ही चलने दो जैसे बरसों से चलता है। और फिर तुम्हें तकलीफ भी किस बात, रोज तुमसे मिलने आ जाता हूँ, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होने देता। हाँ तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, अब हमें शादी में देर नहीं करनी चाहिए। बोलो बोलो शादी कब करोगे? कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। देख लिया, ये है ब्रह्मचारी का असली रूप, क्या आशिक है, बच्चों से ही नहीं बच्चों की माँ से भी प्यार करता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको भगवान का रूप समझती थी, पर आप कितने नीच निकले। मैं पूछती हूँ, अगर आज मेरा दिल यूं तोड़ना था तो उस दिन मुझे बचा क्यों था, मुझे नई जिंदगी किस लिए दी थी? बोलिए, जवाब दीजिए। कुछ बातें हैं जो कहीं नहीं जाती, तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर मुझसे प्यार जताने की क्या जरूरत थी? मैं भी क्या मूर्ख थी जो कांच को हीरा और गंदे नाले को गंगा की धारा समझ बैठी। शीतल अब चलो, अच्छा हुआ जल्दी इसकी जात पहचान ली, ऐसे जलील आदमी के पास खड़े होते हुए मुझे घिन आती। चलो। तुमने उसके साथ बड़ा जुल्म किया, वो बेचारी रोती हुई गई है। वो रो तो सकती है, मैं रो भी नहीं सकता। दर्द जब हद से गुजर जाए तो फिर आंखें नहीं रोती, दिल रोता है। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, अपने बच्चों के लिए तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, इतना तो सगे माँ बाप भी नहीं करते। तुमने मेरी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो ब्रह्मचारी। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आज यहाँ कैसे खड़े हो? मेरे आइटम में थोड़ी देर है। याद है ब्रह्मचारी, एक दिन तुम्ही ने मेरा इनसे इंट्रोडक्शन कराया। जी हाँ। इसलिए आज सबसे पहले मैं तुम्हें ही ये खुशखबरी सुनाने आया, और कल ही हमारी शादी होने वाली है। क्या बात, मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारक हो मिस चौधरी, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू ब्रह्मचारी। आज एक ऐसा गीत सुना दो कि हमारी खुशी का ये लम्हा अमर हो जाए। आप जानते हैं मैं मोहब्बत के गीत गाता हूँ, और मोहब्बत के गीतों से कोई कोई खुश होता है और कोई उदास। हमारा दिल तो आज खुशी से झूम रहा है, हमें आज कोई गीत उदास नहीं कर सकता। जिसका दिल दुखी है वही तुम्हारा गीत सुनकर उदास होगा। आओ रवि, आज हम ब्रह्मचारी का गाना सुनकर अपनी खुशी दूनी कर ले। आओ। ब्रह्मचारी, तुम्हारी आइटम का वक्त हो गया, बेस्ट ऑफ लक। हेलो हेलो हेलो। झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास।
दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदास सांसों में होगी कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदास की धूप में साथी बने हैं अब भी तेरे सुर्ख होंठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साथी बने हैं अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदास तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदास दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जाऊदास दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो रास्ता अपने आप रोशन हो जाएगा
बच्चे कभी नहीं आएंगे। नहीं बेटे, अब दीदी कभी नहीं आएगी। बड़े भैया उठिए, भोजन कर लीजिए। मुझे भूख नहीं। कुछ तो खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया। ठहरो। बड़े भैया, ये बालक किसी स्त्री का है। कौन हो तुम? रूपा दीदी, आप ये बच्चा? हो सके तो इसे प्यार से रखिएगा, मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। इस मुसीबत में आपको किसने डाला? ये मेरे पाप की नहीं प्यार की निशानी है, लेकिन मैं इसे अपना नहीं सकती क्योंकि मेरे पास शादी का कोई सबूत नहीं रहा। आपकी शादी हो चुकी? हाँ, चुपके किसी मंदिर में। किससे? जिनकी पार्टी में आपने मेरे साथ डांस किया था। रवि, रवि खन्ना? हाँ। तब तो आज उसकी शादी नहीं हो सकती। आपके पास कोई सबूत नहीं? सबूत था, उनकी चिट्ठियाँ, वो उन्होंने मौका पाकर चुरा ली और उन्हें चला डाला। एक सेकंड। उनमें से किसी चिट्ठी में यूँ लिखा हुआ था कि जब से तुम्हें देखा है कोई और सूरत हसीन नजर नहीं आती, जैसे कि ताजमहल को देखने के बाद। आपको कैसे मालूम हुआ? अरे बड़े भैया, वो चिट्ठियाँ जलाई नहीं गई है। वो चिट्ठियाँ तो मेरे पॉकेट मार दोस्त बसंत के पास में है, मगर साला उन चिट्ठियों के बदले में माल पानी मांगता है। चलो चलो, बसंत को ठीक करते हैं, आप चलिए मेरे साथ। अंकल दीदी के बगैर कितने दुखी हैं, हमें कुछ करना ही चाहिए। चल के रवि बाबू को मारे। नहीं, ऐसा करने से तो वो दीदी को कभी नहीं लौटाएंगे। फिर क्या करें? चल के रवि बाबू की मिन्नत करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, शायद उन्हें तरस आ जाए और वो हमारी दीदी को हमें दे दे। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। यस, मुझे मिस्टर रवि खन्ना से बात करनी है फटाफट। मैं रवि बोल रहा हूँ, कौन हो तुम? चरसा पहले आपकी जेब काटी थी, बटवे में माल की जगह रूपा देवी के नाम कुछ खत मिले थे। अब आपकी शादी किसी और लड़के से हो रही है, कहिए तो आपकी वो चिट्ठियां रूपा देवी को दे दूं, क्योंकि इनकी मदद से वो आपकी शादी रुकवा सकती है फटाफट। क्या वो खत तुम्हारे पास है? बोलो क्या मांगते हो? 10 खत है सरकार, 100-100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का सौदा बनता है फटाफट। ठीक है, मेरा आदमी 1000 रुपए लेकर आ रहा है, कहाँ मिलोगे? खोली नंबर 5, धर्मानंद की चाल, छाज मोहल्ला, भिंडी बाजार। आधे घंटे में मेरा आदमी वहां पहुंच जाएगा। अरे तू यार बसंत, वो तेरे पास चिट्ठियां है ना जो तूने चुराई थी? किसी की जान बच सकती है, बहुत कीमती चिट्ठियां है। वो तो मुझे मालूम है, तभी तो एक एक चिट्ठी में मुझे 100-100 रुपया मिल रहा है। यार ये लालच का वक्त नहीं है, किसी की जान का सवाल। अच्छा अच्छा, तुम्हें बहुत जरूर है तो मैं तुम्हें 200 रुपया कम किए देता हूँ। निकालो बाकी का माल फटाफट। ऐसा हमारे पास नहीं है। तो क्या फोकट में दे दूं? बाप का माल है, ये ऐसे नहीं मानेगा। कमीना कहकर बसंत कौन है? मेरा नाम है बसंत। मुझे रवि बाबू ने भेजा है, लाओ वो चिट्ठियां और रुपए ले लो। चिट्ठियां तो मैंने रवि बाबू को भेज दी, वो माल निकालो फटाफट। चक्रम बनाता है साले, काट के डाल दूंगा, निकाल दे रिया। चिट्ठियां तो ब्रह्मचारी छीन के ले गया। ब्रह्मचारी? जिसे देखो फटाफट। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, बसंत ने खुद बताया ब्रह्मचारी उससे चिट्ठियां छीन के ले गया है। यस सर। ओके सर। रवि बाबू, हम अपनी दीदी को लेने आए हैं, आप हमारी दीदी को लौटा दीजिए। दीदी के बगैर हमारा दिल नहीं लगता। रवि बाबू बड़े अच्छे आदमी हैं, आप हमारी दीदी को लौटा दीजिए ना, प्लीज। अच्छा तो तुम अपनी दीदी को लेने आए हो? हाँ। खैर, तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, मैं बच्चों का दिल दुखाना नहीं चाहता। बच्चन सिंह। हाँ जी। बच्चों को गाड़ी में बिठा कर इनकी दीदी के पास ले जाओ, समझ गए ना? समझ गए। चलो बच्चो। अब आने दो ब्रह्मचारी को। रवि बाबू, पहचाना इनको? आइए ब्रह्मचारी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आइए।
बैठो रूपा। कहिए अब क्या कष्ट है आपको? ये शादी नहीं होगी। मैंने तुम्हारा मुंह बंद रखने को इतनी बड़ी रकम दी थी और फिर भी तुम। मैं यहां शीतल की खातिर नहीं, रूपा के लिए आया हूं। मैंने अपना प्यार जरूर बेचा है, लेकिन दुखियों के हक के लिए लड़ने का अधिकार नहीं बेचा। अगर मैं ये हक देने पर राजी ना हूं तो फिर मैं आपकी माता जी से मिलता हूं और वो मान जाएंगी कि ये बच्चा आप ही का है, क्योंकि इसका सबूत मेरे कब्जे में है। मेरी माता जी को चिट्ठियां दिखाने से पहले अपने बच्चों के साथ जरा टेलीफोन पर बात कर लो, जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। मेरे बच्चे आपके कब्जे में? मुझे मालूम था कि वसंत से चिट्ठियां लेते ही तुम सीधे यहाँ आओगे, इसलिए मैंने बच्चों को उठवा दिया। बच्चन सिंह, सब बच्चे पहुंच गए? यस बॉस। एक बच्चे को टेलीफोन पर बुलाओ। लो, तुम्हारा अंकल का फोन आया। अंकल। लीजिए ब्रह्मचारी साहब, बात कीजिए। हेलो अंकल, इन्हें हमें यहाँ पागल है, हमें मार रहे हैं, पानी पीने को भी नहीं देते, आप हमें आके बचाइए अंकल, आप आके हमें बचाइए। चांदनी बेटा, तुम कहाँ हो तुम लोग? आ गया यकीन? मेरे किसी बच्चे पे आंच आई तो जिंदा जला दूंगा तुम्हें। और अगर 10 सेकंड तक मेरी चिट्ठियां वापस न दी तो सब बच्चों को जिंदा जलवा दूंगा। आप इन्हें चिट्ठियां दे दीजिए, मैं अपने बच्चे की खातिर आपके बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बच्चन सिंह, खूब पीटो बच्चों को। नहीं, नहीं। ये लो चिट्ठियां। आ गए ना रास्ते पर? बच्चन सिंह, बच्चों को ट्रक में डालकर यहां ले आओ। अभी लेकर तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। मैं अपनी शादी की खुशी में किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। दफा हो जाओ यहां से। मैं बता रहा हूं माता जी, हट जा मेरे रास्ते से। आप ये चिट्ठियां पढ़िए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये वो लव लेटर्स हैं जो साबित कर देंगी कि आपके बेटे ने रूपा से कैसे प्यार किया, मंदिर में ले जाकर उससे शादी की। ये भी साबित कर देंगे कि बच्चा भी उसी का है। अब रूपा को इस हाल में छोड़कर आपका बेटा दूसरी शादी करना चाहता? मां, ये सब झूठ है, ये लोग खामखा मुझे बदनाम कर रहे हैं। बेशर्म कहीं के, एक तो इस लड़की को इतना बड़ा धोखा दिया और अब मुझसे भी झूठ बोल रहा है। मैं तेरे खत पहचानती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करती हूँ, देखती हूँ ये कैसे नहीं मानता। साहब, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। रवि, रवि ठहरो, रवि, रवि।
जिस बदमाश माँ ने ऐसे राक्षस को जन्म दिया है उसकी को गुजर जाए तो अच्छा है। इस बच्चे पर रहम कीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। रूपा देवी, अगर आज ये बच्चा नहीं होता तो मैं इसका खून कर देता। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। शीतल, मुझे तुमसे भी माफी मांगनी। ब्रह्मचारी के साथ उस दिन जो तुमने लड़की देखी थी वो नाटक था। ब्रह्मचारी की जिंदगी में तुम्हारे सिवा आज तक ना कोई लड़की थी ना आएगी। अबे, ये क्या कर रहा तू? अंकल, अब तो आपकी शादी हो गई, अब आप ब्रह्मचारी नहीं। चल हट, चल। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी।